राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। कैलेंडर दे दिए लोगों को, सारी सुविधा दे दी, मकान दे दिए, राशन फ्री दे रही, दूध दो बार दे रही। कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो जो तलमल वैसे थे ना छुटिया, जो टिकट धक्के मारो अपना आते हैं जाते हैं, वो वाले थे, उनके घर वालों को टिकट दे दो तो वो चुनाव में रहेंगे। चोर को मैं कहूँ जब उनके पास कुछ बोलने को राही नहीं तो वो तो बाबा जी को ही कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार, आप देख रहे राजपत्र टीवी। आज हम पहुंचे मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में, जहां पर देखा है कि अब जैसे ही आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और यहां पर सभी पार्टियां अपने आप को जीता हुआ मान रही हैं। हम चरथावल कस्बे में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर ग्रामीणों से और क्षेत्रीय युवाओं और वृद्धों से, जो भी युवा वर्ग है या कोई भी व्यक्ति है, उससे पूछ रहे हैं कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। मेरे पास कुछ चरथावल क्षेत्र के युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? आशीष त्यागी। आप चरथावल के निवासी हो, अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की, योगी जी बनेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं कि बीजेपी सरकार बनेगी? मुद्दे मतलब क्या, विकास क्या है कि बीजेपी सरकार? सभी पार्टियां देख लो, सभी पार्टियां कह रही हैं कि अब के अखिलेश की पार्टी, अखिलेश तो अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की। किस मुद्दों को लेकर वोट करोगे? भाई राशन फ्री दे रही, सिलेंडर दे दिए लोगों को, सारी सुविधा दे दी, मकान दे दी, राशन फ्री दे रही, दूध दो बार दे रही, और क्या चाहिए? लगातार अखिलेश सरकार या दे रही, रात को कहीं चले जाओ घूम लो, कोई बाहर चला जाओ कोई दिक्कत नहीं है, और क्या चाहिए? तो अब की बार योगी सरकार? हाँ। तो योगी को वोट करोगे? हाँ। मेरे पास कुछ युवा और भी है। आपका नाम? विनीत जी। कहाँ के निवासी हो? मैं सिकंदरपुर का, यहाँ चरथावले में हूँ। अब की बार जैसे ही आप जानते हो कि चुनाव बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपने आप को किसी ना किसी मुद्दे को लेकर वोट के बहका रही है, जो भी काम कर रही है, किसकी अब की बार किसको वोट करेगी? भाजपा की आएगी सर। क्या कारण है भाजपा की सरकार आएगी? सबको अच्छा राशन मिल रहा, फ्री मिल रहा, सब सब सुविधा है, कहीं जाओ कहीं घूमो कहीं फिरो। तो अब की बार बीजेपी सरकार? बीजेपी की सरकार आएगी। जितने भी यहाँ पर युवा वर्ग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, मेरे पास कुछ व्यापारी है जो यहाँ लगातार बाजार में व्यापार करते हैं, हमारे साथ उनसे बात करते हैं। आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश त्यागी जी, आप यहाँ व्यापार मंडल में यहाँ दुकान भी करते हो काफी सालों, अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार। क्या कारण है कि योगी सरकार बनेगी? चहुं और विकास की गंगा बह रही है, लोगों को हर चीज सुविधाएं सब मिल रही हैं, तो योगी सरकार से बढ़िया कौन सी सरकार है? ये अखिलेश सरकार, गुंडा राज सरकार लेनी है तो फिर ये करो। देखा जा रहा है कि बीजेपी के ज्यादातर विधायक भाग चुके हैं, फिर भी योगी सरकार? कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो जो दलमल वैसे थे ना छुट भैया, जो टिकट नक्के मारो अपना आते हैं और जाते हैं, वो वाले थे, उनके घर वालों को टिकट दे दो तो वो चुनाव में रहेंगे, नहीं तो भाग जाते हैं। आपका कहना है कि अब की बार योगी ही सरकार बनेगी? सरकार। मेरे पास कुछ और व्यापारी भी है यहाँ भैया। आपका नाम? राजू त्यागी। राजू त्यागी जी, आप यहाँ बहुत दिनों से, एक मिनट खड़ा हो जाओ, बहुत दिनों से, बहुत दिनों दुकान भी करते हैं। बिल्कुल। अब क्या देखा गया कि सरकार में, कि आपको क्या अच्छा लगा कि आप वोट? भाई सरकार में सबसे बढ़िया बात तो यही, चोरी चौकी बंद होगी, लूट मार बंद होगी, और घर घर सबके बेचारे गरीबों को बहुत सुविधा मिली, मकान मिले और रोजगार मिला, बढ़िया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। योगी सरकार ही आओगे? योगी सरकार ही। मेरे साथ कुछ जितने भी युवा वर्ग ने बताया कि अब की बार योगी सरकार, युवाओं का कहना है कि यहाँ पर जो चरथावल क्षेत्र है, यहाँ पर गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे पास यहाँ बीजेपी से एक तरुण है, तरुण त्यागी जी, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि अब की बार जो युवा वर्ग कह रहा है कि योगी सरकार, क्या मामला है कि योगी सरकार बनेगी? देखिए, युवा वर्ग को पहले जो दिक्कतें आती थी, मैं पढ़ाई के क्षेत्र में ही कह दूं कि जो यहाँ से बच्चे मुजफ्फरनगर जाते थे पढ़ने, क्योंकि यहाँ डिग्री कॉलेज कम है, एक दो ही हैं, तो उन्हें बसों में बड़ी दिक्कतें होती थी, छेड़ भाई जो लड़कियाँ थी हमारी उनके साथ छेड़छाड़, ये वो बहुत दिक्कतें थी। और अब तो राम राज्य है, कहीं चले जाओ किसी टाइम चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी अगर मैं कहूँ तो जितने, जैसे अभी हमारे जो माननीय यहाँ से सांसद महोदय हैं, उन्होंने खेल स्पर्धा कराई थी, तो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, बच्चों में उत्साह तो आता ही है। खेल स्कूल, छोटे छोटे स्कूलों में भी कराई थी उन्होंने तो। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो बच्चों में जो आपने युवक की बात की ना, नव युवक की, भाई छोटे बच्चे तो छोटे बच्चों के बहुत ज़्यादा, भाई देखो कोरोना काल में थोड़ी दिक्कत, वो मैं मानता हूँ कि स्कूल बंद रहे या वो रही, लेकिन और ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि
सरकार के लिए कोई दिक्कत वाली बात हो। अभी अखिलेश का बयान आया था 2 दिन पहले ही कि बाबा को बाबा के गढ़ में ही भेज दिया गया दोबारा से, बाबा अब वापस नहीं आएंगे। अब टोटी चोर को मैं कहूँगा, जब उनके पास कुछ बोलने को राह ही नहीं तो वो तो बाबा जी को ही कहेंगे। आपकी बाबा को तो उनके गढ़ वापस ही भेज दिया बीजेपी वालों ने। अरे वो क्या जाने बाबा की महिमा, वो तो टोटी चोर है। देखिए मेरे साथ जितने भी युवा वर्ग या जो भी यहाँ क्षेत्र से ग्रामीण थे, उनने बताया है कि अब की बार योगी सरकार ग्रामीणों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब की बार चारों ओर विकास हुआ है और गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। योगी सरकार में कोई भी किसी प्रकार का गुंडा राज नहीं है। कैमरामैन कपिल राणा के साथ संजीव कुमार, राजपत्र टीवी।